वर्षों से खेल मैदान की मांग कर रहे खिलाड़ियों, समाज सेवियों और नगरवासियों ने खेल अधिकार यात्रा निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देकर बताया कि राधास्वामी ट्रस्ट की लीज समाप्त होने पर नवीनीकरण करने एवं उक्त जमीन नगर परिषद को सौंपकर खेल मैदान का निर्माण करने की मांग की। हरदा जिले के टिमरनी नगर की जनसंख्या लगभग 32,000 है, जिसमें लगभग 4,000 विद्यार्थी हैं, लेकिन इस नगर में खेल मैदान नहीं है, जिसकी मांग वर्षों से जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक की जाती रही है, लेकिन शासकीय भूमि के अभाव के चलते खेल मैदान का निर्माण नहीं हो सका और विद्यार्थी एवं खेल प्रेमियों को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब 3.47 एकड़ जमीन, जो कि वर्षों पहले राधास्वामी ट्रस्ट को नॉमिनल राशि में लीज पर दी गई थी, उसकी जील 31 मार्च 2023 को समाप्त होने जा रही है और ट्रस्ट के लीज नवीनीकरण का आवेदन भी शासन को दिया है, लेकिन नगरवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि नगर एवं खेल हित में प्रशासन राधास्वामी ट्रस्ट की लीज का नवीनीकरण करते हुए जमीन को नगर परिषद को सौंप दी जाए, जिसमें खेल मैदान का निर्माण किया जाए, जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर नगर, जिले एवं देश का नाम रोशन कर सके। हरदा से अलग कौर की रिपोर्ट। में आए हैं, क्या है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? हमारे शहर में जो राधा स्वामी का जो एक ग्राउंड है, वहाँ पर काफ़ी सारा उनका बहुत सारा 18 एकड़ जमीन उनका खुद का है और 3.47 जो एकड़ जमीन जो है वो गवर्नमेंट का जमीन है और वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई यूज़ भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का बस यही था कि इतने सालों से वो जमीन खाली पड़ी हुई है, 70 सालों से उन्होंने लीज पे ली है और 2023 में मार्च में उनका लीज खारिज हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि वो लीज को उसका नवीनीकरण ना करके और खिलाड़ियों के हित में वो जमीन को दी जाए और वहाँ पर खेल मैदान और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए, ताकि शहर के सारे खिलाड़ियों को एक खेल का एक सौगात मिले और सारे खिलाड़ी जो अभी स्टेट और नेशनल तक जाके रुक पा रहे हैं या फिर वहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो सारे खिलाड़ी आगे तक खेल पाए, ज़्यादा अच्छे से वो अपना प्रदर्शन कर पाए और आगे जा पाए। क्योंकि अभी तक उनको टिवर्नी से हरदा के लिए आना पड़ता है, छोटे छोटे से गेम्स के लिए उनको रनिंग करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है तो उनको हरदा स्टेडियम आना पड़ता है। तो टिमरनी में कोई खेल ग्राउंड और कोई भी ऐसा इंडोर स्टेडियम या कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। तो हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से भी, माननीय कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रशासन से भी यही कि हमको खिलाड़ियों को खेल मैदान बना के दें और उस जमीन जिसका वो लोग भी यूज़ नहीं कर पा रहे तो खिलाड़ियों के हित में वो जमीन दी जाए। अभी वहाँ खेल मैदान नहीं है टिमरनी में, तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी स्कूल टाइम के बाद शाम को 5 बजे के बाद गर्ल्स स्कूल एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे कबड्डी के भी ग्राउंड चलते हैं, कराटे भी चलते हैं और इतना मतलब इतना शॉर्ट टाइम होता है शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक। रात के आपको भी पता है कि लड़कियों के लिए घर से इतनी परमिशन नहीं होती कि शाम तक वो ज़्यादा टाइम तक खेल पाए, तो इतना कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का ये है कि हम उतने छोटे से ग्राउंड में सीमित ना रहें और हमको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।